कि हमारे जमीन को मतलब हड़प है तो क्या कहेंगे? हम हमारा कहना यही है कि भैया पेपर दिखाइए, अपने ले लीजिए। पेपर से ज्यादा जमीन हर जगह बेच रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, मजबूरी है, हम लोग किराए पर रह रहे हैं, है ना। हम लोग अपना जो कुछ सैनी जमीन है अपना बनवा रहे हैं, तो आकर बनवाएंगे। चलिए, तो आप उनके छोटे भाई हैं जी। साथियों, सिवान शहर में खुल गया है मल्टी स्पेशलिस्ट मार्क हॉस्पिटल, नया बाईपास रोड उखई मोड़ सिवान बिहार। रात्रि इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर श्वेता रानी, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह सेवा दे रहे हैं। नाक कान एवं गला के हर तरह की बीमारियों का इलाज एवं सफल ऑपरेशन, महिला रोग से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज एवं नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हड्डी, जोड़, नस, गठिया एवं लकवा सहित सभी तरह के दर्द निवारण हेतु संपर्क करें, आज ही संपर्क करें। सिवान में मार्क हॉस्पिटल समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। मार्क हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर सिवान, न्यू बाईपास रोड उखई मोड़ सिवान बिहार। पहुंच चुकी हैं प्राइम न्यूज नाइन टीम पहुंची है सिवान के कसेरा टोले में। बता दें कि कल परसों से एक जमीनी मामला संदर्भ में प्रकाश में आ रहा है, और बता दें आपको कि एक भोला प्रसाद है जो कि कई चैनलों पर अपना बयान दे चुके हैं कि मेरे जमीन को जबरन पटिदारों द्वारा हड़पा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, उनके जो पटिदार हैं, उनके जो भाई हैं, वो हमारे सामने जुड़ चुके हैं। उनके परिवार के यानी जो नाम रख रहे हैं, तो सुनील जी, अनिल जी, उनके सपुत्र जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और हमारे टीम को ये लोग बुलाए हुए हैं अपना भी बात रखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया सभी की बात सुनती है, और कहीं ना कहीं ये लोग इस समय अपने बात को रखना चाहते हैं। अनिल जी हैं, सुनील जी हैं, कसेरा टोली है, टाउन थाना के अंतर्गत आता है, सिवान जिला है, सिवान सदर के प्रखंड में ये बात आता है। आइए बात करते हैं, आप उनके परिवार से हैं जी। क्या है, भोला प्रसाद कौन है जो वो भोला दे रहे कि भोला, भोला प्रसाद मेरे बड़े पापा है। ठीक है, बड़े पापा है जी, बड़े पापा कह रहे हैं कि अनिल जी है कोई, सुनील जी है। ये अनिल जी मेरे पिताजी है, ये मेरे चाचा जी है सुनील जी, अमित कुमार हम है, सोनू कुमारी है जिसका नाम ले रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उनके जमीन को मतलब कोई हड़प है आपके, मतलब आप लोग उनके कौन है आप लोग? हम उनके उनके भतीजा हैं, उनके भाई हैं, खास भाई हैं, खास भाई हैं हम, खास भाई हैं जी, आप खास भाई हैं जी, मतलब साथ में भाई हाँ, एक बात एक बात के हम लोग भोला प्रसाद खास भाई हैं, बड़े भाई हैं, पटदार मतलब भाई भाई सगे भाई हैं, इसी जमीन का ये मामला चल रहा है। यही जमीन का मामला, जमीन इसी से 22 दिन मतलब है ना, एक दिन मतलब हां, वो कह रहे हैं कि हमारा जमीन है और हमारा बख्शीनामा है, हमारे दादाजी मतलब आपके दादाजी का नाम क्या था? रामित राम, रामित राम। अच्छा, उन्होंने बताया कि रामित राम जो है हमारे को मतलब जब बचपन में थे बजार थे, पत्नी बता रहे थे कि मतलब हमको बख्शीनामा कर दिए हैं, तो ये सच बह गया? गलत है, सरासर झूठ है। उनको बख्शीनामा किया गया है, ठीक है, 10 दूर गांधी मैदान में बख्शीनामा है। अच्छा, बख्शीनामा क्या गया उनको? गांधी मैदान में। अच्छा, लोग गांधी मैदान रहते हैं? हाँ, गांधी मैदान में भी हम लोग का प्रॉपर्टी है 5 कट्ठा के आसपास। हाँ। वहाँ पे उनको 10 दूर बख्शीनामा दिया गया है। हाँ। लेकिन 10 दूर बख्शीनामा है, लेकिन 1.5 कट्ठा दिए हैं। तीन मतलब आपके तीन भाई अपने? हाँ, तीन भाई सात बहन, तीन भाई सात बहन। हाँ, 10 आदमी का शेयर है, 10 आदमी शेयर है, यही वाला सब इसमें भी है, गांधी मैदान में भी 10 आदमी का शेयर है। अभी आप लोग क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? जो वो कह रहे हैं कि हमारा जमीन है, सरासर झूठ है। वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, हम लोग के सामने बैठे, मीडिया भी रहेगा, वकील को भी अपना लेते हैं, बैठ के समझ ले, किसी का बात नहीं सुनते हैं, खाली विवाद करते हैं, विवादित बनाते हैं बस, और कोई बात नहीं। मतलब पूरा मामला क्या है, भी आरोप लगाए कि आप भू माफिया का आप लोग मिल रहे हैं? हम तो आप लोग खुद पढ़े, हम लोग भू माफिया कैसे हो गए? वो मेरे बड़े पापा है, हम लोग भू माफिया हो गए? अपना संपत्ति अगर कोई बनवा रहा है उसको, तो वो भू माफिया हो गया। गजब का हाल है, इनका खाली शुरू से आरोप रहता है कि अपना अपना संपत्ति अपना हिस्सा से ज्यादा बेच देंगे, उसके बाद हम लोग को परेशान करते रहेंगे। उसका कहना ये भी है, और कोई मतलब दूसरा कोई का नाम रख रहे हैं वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं? किसी को नहीं जानते हैं हम लोग, जो भी यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे जो जमीन है, इस जमीन पे केवल अपने ही परिवार के लोग रहते हैं। अपने? हाँ। आप इनके बेटे हैं? हाँ, इनके बेटे हैं। हाँ, इनके बेटे हैं। चाचा देखिए, परिवार के लोग हैं, और जहाँ तक बात कहा जा रहा है कि भाई इनके ऊपर जो आरोप लगा था कि ये लोग परिवार है, लेकिन मामला सीधे तौर पर यहाँ पे ये आया है कि ये लोग किसी खानदान से बिलोंग करते हैं। भोला प्रसाद जो है उनके ये भाई है, भोला प्रसाद बड़े भाई के मतलब बड़े भाई, बड़े भाई आप, बड़े भाई आप, छोटे भाई, तीन भाई आप लोग, सात बहन है, तो आप अनिल जी हैं। तो आपका क्या कहना है कि जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जमीन को मतलब हड़प है, तो क्या कहेंगे? हमारा कहना यही है कि भैया पेपर दिखाइए, अपने ले लीजिए। पेपर से ज्यादा जमीन हर जगह बेच रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, मजबूरी है, हम लोग किराए पर रह रहे हैं, है ना। हम लोग अपना जो कुछ सैनी जमीन है अपना बनवा रहे हैं,
तो आकर बनवाएंगे। चलिए, तो आप उनके छोटे भाई हैं जी, तो आप लोग को मतलब वो लोग जो रहा रहते हैं उसमें आप लोग हिस्सा नहीं है? उसमें हम लोग का शेयर है। हाँ। उसमें हम लोग का 10% है। वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग अपना बेच दिए हैं और डेरा पर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं। कहाँ बेच दिए हैं, दिखा दे हम लोग। बेचे होंगे तो सबूत होगा ना उनका, कहाँ हम लोग बेचे हैं। हम लोग क्यों बेचेंगे, हम लोग को जमीन बेच कर खाने का आदत नहीं, उनका है आदत खाने का, जमीन बेच बेच कर खाने का है उनका। तो आप क्या मांग करते हैं? मांग सर यही है कि अपना जो अपना मतलब जितना मेरा संपत्ति बन रहा है जमीन, वो हमको दे दे। उनका जितना जमीन है, जो आरोप लग रहा है वो हम झूठ है, बेबुनियाद है। आप तो उनके बड़े छोटे भाई हैं, आप लोग एक ही हम लोग परिवार के हैं। कोई इसमें भूमाफिया कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब कोई नहीं। अच्छा, वो भी ये भी आरोप लग रहा है कि प्रशासन आप लोग का बात सुन रहा है, उनका बात नहीं। प्रशासन तो बुला ही रहा था, वो भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। जब प्रशासन बुलाएगा पंचायती रखते हैं, पंचायती में नहीं पहुँचते हैं। हर जगह प्रशासन भी बोलता है कि अपना बैठ के यहाँ समझ लीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा। हम लोग लेके जाते हैं, वो अइबे नहीं करते, भाग जाते हैं। वो खाली प्रशासन को बोलते हैं कि कल आएंगे, आ जाएंगे, अइबे नहीं करते। ये जो मामला इसी जमीन का ना, जी, इसी जमीन, और इसमें जमीन में उनका हिस्सा है कि नहीं? इनमें हिस्सा था, शेयर था, वो बेच दिए, बेच चुके हैं। अब हम लोग को जाने में जमीन में वो आरोप लगा रहे हैं, जो जमीन उसमें बोल रहे हैं, वो बोले 22 धूर हमारा है। 22 धूर का मामला है, 22 धूर जमीन है, हमने एक एकड़ को दूर। हाँ, हाँ। 10 आदमी का शेयर हुआ, 3 धूर एक आदमी का हुआ। हाँ। वो 4 धूर बेच के साइड हो गया। उसके बाद हम लोग का अपना जो बचा है उसमें दावा ठोक रहे कि मेरा है, मेरा है। मांग यही करते हैं प्रशासन से और मीडिया से, ठीक है, कि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जांच कर लिया जाए। हाँ। ठीक है, उनका भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जांच कर लिया जाए और जिसका जो शेयर बनता है उसको दे दिया जाए। यानी जो आरोप लग रहा है वो एकदम बेबुनियाद है। आप लोग पटदार हैं? नहीं है, खास भाई है, अपने भाई है, पटदार कहाँ से है? कोई इसमें बिचौलिया नहीं है, कोई नहीं है, हम लोग यहाँ जमीन नहीं नहीं अपना ले लेना है, कोई इसमें नहीं है। हम लोग को यहाँ बनवाना है, हम लोग भी 10 आदमी है, 5 भाई है, चाचा का अपना मिला के 5 भाई है। हम लोग भी तो यहाँ पे खाएंगे, कमाएंगे ना, नीचे दुकान बनवाएंगे, ऊपर मकान रहेगा हमारा। चलिए, देखिए, तो कहीं ना कहीं इस बात से हम लोग वाकिफ हुए हैं। जब हमारी टीम यहाँ पहुंची, ये लोग बुलाए, तो पता चला कि ये लोग परिवार के ही सदस्य हैं। भोला प्रसाद जो है इनके बड़े भाई हैं, खानदान के हैं, जैसे ये अनिल जी हैं, सुनील जी हैं, उन्हीं खानदान के उनके लड़के हैं, उनकी परिवार के लोग हैं। और जहाँ तक बात आ रहा है कि ये लोग जो जमीन है ये लोग का भी हिस्सा है जैसे कि बता रहे हैं, और वो अपना हिस्सा यहाँ से बेच चुके हैं, बेच चुके। और आपका कहना है कि यहाँ की जो जमीन है, आपकी जो बुआ लोग हैं, यानी कि आपकी जो बहन लोग हैं, 7 बहन है, वो अपना सभी अपना जो भी हिस्सा आप लोग दे दिए? हाँ, दोनों भाई को दे दिया है, अपना हिस्सा दे दिया। और उसमें आप लोग हैं? हाँ। अब लोग किराए पर रहते हैं, लोगों को मोह माया लगा कि कितना दिन तुम लोग किराए पर रहेगा अपना जमीन रहते हुए। बोली चलो हम ले देते हैं, तुम लोग अपना घर बनवाओ, कब तक दुख करोगे? ये बात तो है। तो कहीं ना कहीं मामला सुधर जा रहा है कि ये जमीन, ये मामला पारिवारिक है। हाँ। उसको बिना मतलब का विवादित बना रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दूसरा नहीं, कोई नहीं है, पारिवारिक है, इसको बैठ के समझा जा सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक बात आ रहा था भू माफिया से, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये परिवार के लोग हैं, एक ही घर के लोग हैं। और बात रहा कि इसमें कोई दूसरा कोई हस्तक्षेप कर रहा है, तो ऐसा बात अभी दिखाई नहीं दिया है। लेकिन ये तो पटीदार नहीं है, ये तो भूत के घर के भाई के हैं। यानी आप लोग 3 भाई हैं और आपस में सलट लेना चाहते हैं, जो बात है आप लोग सुनना चाहते हैं। पारिवारिक मैटर में कौन आएगा सर? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। पारिवारिक मैटर आपस में, जमीन हम लोग बनवा रहे हैं तो उसमें भी वो अड़चन डाल रहे हैं। उनका मतलब इसमें नहीं है, कुछ नहीं, बेच चुके हैं। आप लोग कहना जी, मेरा नाम अमित कुमार हुआ। तो देखिए, अभी हमारी टीम पहुंची है, हमने यहाँ पे जैसे बात किया, खंडन किया। इनका कहना है कि जमीन के जो हिस्सेदारी में वो थे वो अपना बेच चुके हैं, जो 3 धूर उनका हिस्सा था, लेकिन 4 धूर बेच चुके हैं। लेकिन फिर भी हमारे बुआ और हमारे दोनों भाई मिलकर हम लोग अपना बनाना चाहते हैं। आपके बुआ आप लोग को लिख दी है, दे दी अपना जमीन, अपना शेयर दे दी है, और आप लोग अपना बनवा रहे हैं। चलो, धन्यवाद। कागज भी है अपना, ये प्रूफ भी लेकर चल रहे हैं। और कहने कहीं ये लोग बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो इनके पावर ट्रेनिंग है, जो शेयर है, इनका बुआ का, आपकी बहन का, आपको दे दिए ना? हाँ। आप लोग दे दिए हैं। तो मामला इसी तरह पर यह रहा है, कहने कहीं ये अपने बात को हक में दिखाई दे रहा है, और कहने कहीं अपने बात पे आप लोग हैं, जी जी, हक पे आप लोग हैं जी। तो इसमें कोई नहीं, गलत नहीं, कुछ गलत नहीं है। साथियों, आपके सिवान शहर में खुल चुका है जीवन क्लिनिक हॉस्पिटल।
चकिया मोड़ एजेंसी नगर सीवान बिहार, जहाँ पे डॉक्टर तेजस्व सिंह, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर पी कुमारी, डॉक्टर अजय कुमार सर बैठेंगे। आपको बता दें पेट छाती हृदय एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर तेजस्व सिंह इलाज करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर अजय कुमार जनरल फिजिशियन एवं सर्जन के तौर पर इलाज करेंगे। डॉक्टर पी कुमारी स्त्री प्रसूति एवं बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर इलाज करेंगे। रविवार को निःशुल्क मरीज देखा जाता है। रात्रि सेवा उपलब्ध है। यहाँ पे हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बच्चेदानी, पेट में गोला, पेट की थाली में पथरी इत्यादि बीमारियों का ऑपरेशन किसी भी उचित तरीके से किया जाएगा और सुविधा उपलब्ध है। चकिया मोड़ एजेंसी नगर सीवान बिहार। बता दें आपको कि नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। पेट छाती एवं मूत्र से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज होगा। आप देख रहे हैं सीवान जिला के जीवन क्लिनिक हॉस्पिटल में, जहां पे डॉक्टर साहब लोग आगमन कर चुके हैं, तमाम सेवाओं के साथ यहां पे शुरू कर चुके हैं।